एक थ्योरी है एनर्जी थ्योरी। ये मेरा अनुभव है, एनर्जी थ्योरी का मतलब है आप लोग अगर 4 दिन खाना नहीं खाएंगे और 4 दिन सोएंगे नहीं तो 5वें दिन आप कुछ भी करने के हालत में नहीं रहेंगे। ऐसा होता है, ठीक है? मतलब आपको एक तो सोना है 9 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे जो आप सोते हैं, और आपको खाना खाने के लिए समय देना 2 घंटे। मान लीजिए आप 24 घंटे में से 9 घंटे आप समय दे रहे हैं एनर्जी सेव करने के लिए, ठीक है, अपने आप में एनर्जी बनाए रखने के लिए। तो इसके बाद जो 15 घंटे आपके बचते हैं, आप सोचिए कि उस एनर्जी का आप क्या करते हैं, ठीक है? आप उस एनर्जी को वेस्ट करते हैं कहीं फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, है ना? आप अगर उस एनर्जी को वेस्ट करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? दूसरा थ्योरी है कि एटीट्यूड थ्योरी। देखिए, हम लोग तो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है? आपके स्कूल कॉलेज का एग्जाम अलग होता है क्योंकि आपको वहां पास करना होता है एग्जाम। एक आपका दोस्त कोई 80% ले आया है, आप 85% ले आए, दोनों को सर्टिफिकेट मिल गया, दोनों पास हैं, दोनों खुश। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं, आप एक मार्क से पीछे रहे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक मार्क से आपका रैंक तय होता है। तो आप यहां सर्वाइवल एटीट्यूड में नहीं चल सकते, आपको टॉपर एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। आपको खुद से बेहतर करने की जरूरत है, साथ ही आपको दूसरों से भी बेहतर करने की जरूरत है। आपको यह भी देखना है कि दूसरे कितना बेहतर कर रहे हैं, ठीक है? तीसरा थ्योरी है डिमांड और सप्लाई। आप लोग देखे होंगे सीजीपीएससी के एग्जाम में, आप लोग पढ़ते भी होंगे, पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, संविधान, ठीक है? आप लोग के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है, वो बहुत लोग पढ़ते हैं सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए, मेंस के लिए। मेंस में 1400 नंबर में केवल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है पॉलिटी से, और बच्चे उस बुक के पीछे पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? आपके एग्जाम में उसकी डिमांड ही नहीं है, फिर भी आप उस पर टाइम लगा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा, ठीक है? हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, फिर भी ऐसा देखने में आता है कि उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। इसका कारण ही नहीं, जितना जल्दी अप्रोच बनाएंगे, एनर्जी सेव करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, अपना आकलन खुद करिए, हर स्तर पर करिए, ठीक है? चाहे वो प्रीलिम्स हो।